प्रिय मित्रों, वॉइस ऑफ पोल्ट्री नामक चैनल यूट्यूब के माध्यम से जिससे मैं आपसे संपर्क साधता हूँ, मैं उनका भी धन्यवाद दूँ और आपका कृतार्थ हूँ कि आप जब मन में आए कभी कभी इसको वैसे खोलते तो आप कम ही हैं, पर कभी जब जीवन के स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन वगैरह से जब आप थोड़ा निवृत्त होना चाहें तो इस चैनल पर आकर आप कविता एक और एक पढ़ सकते हैं, जो कविताएँ फिलोसफी के ऊपर हैं, फिलोसफी जीवन का दर्शन है। तो आज आज आप देखिए, ये जीवन दर्शन कमाल का है। यह है कविता, इसमें 15 और कविता का शीर्षक है नागरिक। अब ध्यान से सुनना, देखो, किसी पर कोई कटाक्ष नहीं है। ये एक सच्चाई को विस्तृत रूप से सामने रखा गया है, लेकिन वो सच्चाई में भारतवर्ष के नागरिक से सीधा साधा संबंध रखती है। लेकिन भारतवर्ष के नागरिक की जो इसमें सोच दिखाई गई है वो उसकी अज्ञानता भी है, अनजाने में उसकी अज्ञानता है। तो इससे एक और चीज़ उभर कर आती है कि वो क्या उपाय किए जाएं जिससे भारत का हर नागरिक सच्चाई को जाने और अपनी जिम्मेवारी समझे, अपने देश के प्रति अपने समर्पण रहे, और देश सर्वोत्तम जो जरूरी है कि देश भी ऐसा करे कि नागरिक के प्रति बहुत ही अच्छे, मतलब अलग अलग अच्छी अच्छी योजनाएं लाए और हर नागरिक ये सोचे कि मैं अपने देश में अपने देश की सरकार के बलबूते पर हर तरह से मैं सुरक्षित हूँ। मुझे सेहत, अगर बीमार पड़ता हूँ तो मुझे अस्पताल मिलते हैं, समझे नहीं समझे, बच्चों को पढ़ाना है तो स्कूल मिलते हैं, बच्चे अगर मेरे होशियार हैं तो पढ़ने के लिए कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, जहाँ मेरे को खास वो नहीं लगती, फीस नहीं लगती। मुझे कृषि करने के लिए उत्तमतम बीज मिलते हैं, कृषि करने के लिए मुझे उत्तमतम औद्योगिकी यंत्र मिलते हैं, यंत्र भी मुझे मिलते हैं, और सरकार मुझे हर तरह से कृषि में भी निजी जीवन में भी जी मुझे सहायता करती है और मैं बहुत खुश हूँ। और इसी वजह से मैं अपनी जो मांगे हैं जो मेरी सरकार के प्रति, उनको भी मैं अपने नियंत्रण में रखता हूँ। मैं ये ना सोचूं कि क्योंकि मैंने वोट दी है तो अब हर तरह की जिम्मेवारी जो है वो सरकार की है मेरे जीवन यापन में। जीवन यापन खुद स्वयं को श्रम परिश्रम करना पड़ता है, और श्रम परिश्रमी बनकर ही उसी में ही तभी जीवन यापन होता है, तभी घर गृहस्थी चलती है। अगर घर गृहस्थी और जीवन यापन में हर जगह हर चीज़ अगर आप ये सोचें कि सरकार से मिलेगी क्योंकि मैंने सरकार को वोट दिया है, तो कहीं ना कहीं हमारे सोच में रिक्तता वास करती है। उस रिक्तता को हमें अपनी मन दर्पण से बाहर निकालना होगा। इस मैं ये 12 साल पहले मैंने लिखी है, इसमें 8 स्टेंजा हैं, 8 पद हैं, और इसमें हो सकता कोई बात बिल्कुल ऐसी हो कि जो जिसका तर्क बहुत ही कड़वा लगे, तो लेकिन वो है सच्चाई, क्योंकि हमारे सामने जैसे जापान है, जापान में लड़का 6 साल का चलना शुरू हो जाता, थोड़ी उसमें समझ आ जाती है, वो अपना काम करना शुरू कर देता है। और हमारे यहाँ बच्चा ये कह के ये तो मेरा लड़का है, मेरा बच्चा है, स्पेशली लड़का है, स्कूल में जाता है, वहाँ पढ़ता नहीं, घर आता है तो वहाँ उसको यही तय करा जाए कहीं ये सुरक्षित रहे क्योंकि लड़का है। उसे कॉलेज में भेजते हैं, निगरानी करते नहीं, जो करने वाले हैं पढ़ लिख गए, जो उन्होंने कुछ सोचा है, जिनको अच्छी संस्कृति दी गई है, वो अमेरिका के बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, और जो कुछ कर नहीं पाए वो आए देखते हैं मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ, सरकार ने नौकरी दी और मैं तो झंडा उठाऊंगा लाल और सरकार के खिलाफ बोलूंगा। जैसा मन में आए, जैसी आपकी समझ है वैसा ही आपका तकदीर हो जाएगा। दे दो हाथ दिए, विफलता जरूर मिलती है लेकिन सच उतारू सफलता मिलती है, आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो इसमें जो विचार हैं वो मेरे विचार हैं, अगर किसी की सोच आहत इज्जत उसकी व्यक्तित्व को चोट लगे उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन अगर ये जो बातें इसमें कही गई हैं अगर इन बातों को हम अपने देश के समाज से निकाल दें तो हमारा देश महान हो जाएगा। तो पहला ये है कविता का नागरिक। तो क्या कहता है, कभी नागरिक बन गया है और नागरिक के बारे, मैं आज़ाद भारत का आम नागरिक हूँ, आज़ादी की बिना पर विविध डिमांड रखूँगा। मैं आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, इसी आज़ादी की बिना पर मैं विविध डिमांड रखूँगा, अनेकों सरकारी रियायतों की मांग करूँगा, वोट के बदले सरकारी नौकरी, सरकारी अनुदान, रसोई की रसद भी मिले यह मांग करूँगा।
आगे घर बसर खातिर, दूसरा घर बसर खातिर सरकारी जमीन हो, घर बसर खातिर सरकारी जमीन हो, सरकारी ही निवास स्थान हो, और न कोई शर्त न कोई मेरी जिम्मेवारी हो, मैं तो आज़ादी की बिना पर सरकार सम्मुख मौजूदा सरकार मेरे तमाम कुनबे की हर ख्वाहिश पूरी करे, डंके की चोट पर दिन प्रतिदिन मैं नई नई डिमांड रखूँगा। मैं आज़ाद भारत का आम नागरिक हूँ, इसी आज़ादी की बिना पर विविध डिमांड रखूँगा। अंग्रेजी राज में सहमा सहमा सा रहता था मैं, अंग्रेजी राज में सहमा सहमा सा रहता था मैं, मुगलों के दरबार में असाधारण जुल्म सहता रहता था मैं, पर आज़ाद भारत में न शासन तंत्र का खौफ है और न ही कानून नियम उल्लंघन व दंड का डर है। आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, भारत सरकार पर बोझ समान बनकर रहूँगा मैं। मैं आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, आज इसी आज़ादी की बिना पर दिन प्रतिदिन विविध डिमांड रखूँगा मैं। पांचवा, चौथा, मैं सरकार की सर्वथा खिलाफत करूँगा, और ये मैं बता रहा हूँ, मैं ये कविता पढ़ रहा हूँ जनवरी 2021 में, और ये कविता लिखी गई है कम से कम 12 साल पहले, मीन्स मई 2009 के करीब। इसका आज के जो भी समाज का हमारा परिवेश है या राजनीतिक परिवेश है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। मैं सरकार की सर्वथा खिलाफत करूँगा, विपक्षी नेताओं की शरारतों में हमेशा शरीक रहूँगा। बनाने वालों ने आज़ाद भारत का संविधान बनाया, पर आज तक इसका एक भी लफ्ज समझ पाया हूँ मैं, न कभी इसे लिखित रूप में देखा है, न ही कभी किसी ने कुछ मुझे बताया है। मुझे चाहे आज़ाद भारत भारत के संविधान तहत शासन भारत शासित होता है, मैं तो संविधान की आत्मा से सर्वथा अनभिज्ञ रहूँगा मैं। मैं आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, इसी आज़ादी की बिना पर दिन प्रतिदिन विविध डिमांड रखूंगा मैं। इसमें बहुत बढ़िया बात कही गया है कि संविधान बन गया, संविधान के ऊपर सारा भारतवर्ष चल रहा है, 99% लोगों को कभी उन्होंने संविधान अपने हाथ में उठा कर नहीं देखा कि ये मेरा संविधान है। अब ये बहुत बड़ी एक तरह से गैप है, ये रिक्तता है कि कम से कम संविधान की तो छोटी छोटी कॉपी बना के स्कूलों में भेजी जाए, और उनको बच्चों को जब सुबह प्रार्थना होती है सुबह जब, या शनिवार को प्रार्थना भी छोड़ दो, ये ना सोचे कि लो ये किसी धर्म विशेष की वो प्रचार करते हैं, लेकिन शनिवार को जो बाल सभा होती है बाल सभा में कम से कम रोज बताया जाए एक चैप्टर कि ये हमारा संविधान है। संविधान से सरकार देश को प्रशासन कर रही है, और जिनको प्रशासन कर रही है उनको यही नहीं पता कि संविधान क्या चीज़ है। कितनी बड़ी रिक्तता है, ये कभी ये कह रहा है तो कभी ना, अगर ये उजागर किया है तो इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, और अगर कोई बुरा मानता है उसके लिए मैं क्षमादान मानता हूँ। आगे देखिए, वैसे तो भारतवर्ष में चुनाव हर तिमाही होते हैं, हर 3 महीने के बाद चुनाव हैं, और हर बार ये देखा जाता है कि ये जो सरकार है लव इसकी पब्लिक में पॉपुलरिटी कितनी है, ये कोई बात बनी? संविधान ये कहता 5 साल में एक बार चुनाव होने चाहिए, 5 साल में ही उसी समय, ऐसा इतना बड़ा तंत्र है हमारा इलेक्शन कमीशन का कि उसी समय जो भी पंचायत के हैं या म्यूनिसिपल कमेटी के हैं या विधानसभा के हैं या लोकसभा के हैं, वो चुनाव एक ही बारी में होने चाहिए। कितना पैसा खर्च होता है, कितना टाइम बेकार होता है, और कुछ लोगों ने तो इतनी ज़्यादा इसमें वो आ गई है अनियमितता कि कुछ लोगों का तो, क्योंकि हर 3 महीने बाद चुनाव होते हैं, उनका ये प्रोफेशन बन गया है कि चुनाव में झंडे उठाऊंगा, जो पार्टी मेरे को ज़्यादा पैसे देगी उसी पार्टी में जाऊंगा। किसके लिए? वोट देने के लिए नहीं, वोट तो पता ही नहीं कहाँ देगा, पर उसके मिथ्यापूर्ण चुनाव प्रचार के लिए। तो कहता है वैसे तो भारतवर्ष में चुनाव हर तिमाही होते हैं, पर जब जब लोकसभा विधानसभा के वोट पड़ेंगे मैं इसी चुनावी दंगल में अपने अनेकों रूप स्वरूप दिखाऊंगा, जो लिखा नहीं जा सकता वह जघन्य नियमों को तार तार करूंगा। आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, वोट दान प्रक्रिया में विचित्र पैतरे धरूंगा, वोट बैंक का व्यापार करूंगा। मैं हमेशा मजहब को वोट दान का ईमान बनाऊंगा, मैं हमेशा मजहब को वोट दान का ईमान बनाऊंगा। मेरी आत्मा तो कहती ही है, पर खुद भी मैं इस खुद भी मजहब की
मजहब का दीवाना बन जाऊंगा, मेरे को अनेकों प्रकार के आदर्श अदृश्य हुक्म भी हुए हैं जो सरेआम कह नहीं सकता। मैं तो अपने सारे कुंबे की वोट मजहब के आधार पर ही कुर्बान करूंगा। आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, आज़ाद भारत का नागरिक हूँ। इसी आज़ादी की बिना पर दिन प्रतिदिन विविध डिमांड रखूंगा। धर्म निरपेक्षता के झंडे तले, धर्म निरपेक्षता के झंडे तले धर्म अनुराग से पीड़ित रहूंगा मैं। धर्म निरपेक्षता के झंडे तले धर्म अनुरागी बन धर्म अनुराग से पीड़ित रहूंगा मैं। न संविधान की रूह नहीं जमहूरियत का ख्याल, मैं तो मजहब के परचम को सलाम करूंगा। मैं आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, आज़ादी की बिना पर दिन प्रतिदिन विविध डिमांड रखूंगा। मुआवजा मेरी तमन्ना है, मुआवजा मेरी तमन्ना है, जुगाड़ करना मेरी फितरत है, सिफारिश करवाना मेरी मनोवृत्ति है। मैं जीवन पर्यंत निज हित खातर पर हितों की भर्त्सना करूँगा, ये भर्त की भर्त्सना करूँगा। मैं आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, इसी आज़ादी की बिना पर दिन प्रतिदिन विविध डिमांड रखूँगा। अंतिम, मेरे क्या मौलिक कर्तव्य हैं? संविधान की बात की कभी ने पहले, तो फंडामेंटल राइट्स तो सबको पता है, दो मिनट में फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जो ड्यूटीज़ हैं, मॉरल जो ड्यूटीज़ हैं, वो कौन सी हैं जिनको बोलते हैं मौलिक अधिकार? तो मेरे क्या मौलिक कर्तव्य हैं, मुझे इस बाबत तनिक भी संज्ञान नहीं है। मेरे क्या मौलिक कर्तव्य हैं, मुझे इस बाबत तनिक भी संज्ञान नहीं है। मुझे देश समाज शासन तंत्र से सब कुछ दरकार है, मुझे देश अपने समाज शासन तंत्र से सब कुछ दरकार है, क्योंकि हर चीज़ पर मेरा अधिकार है। मैं मंदिर में अपनी चाहतों के भूते रोपित कर जाऊंगा। आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, सदा मेरा ही पेट भरे इसी मनोभावना से मैं हमेशा अपना दिल बहलाऊंगा। मैं आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, इसी आज़ादी की बिना पर मैं दिन प्रतिदिन विविध डिमांड रखूँगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।